बॉलीवुड के फेमस कपूर फैमिली पर एक बार फिर दुखों का पहाड़ टूटा है। ऋषि कपूर के छोटे भाई राजीव कपूर के निधन से पूरा कपूर खानदान सदमे में है। मंगलवार यानी 9 फरवरी को राजीव कपूर को अचानक दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस डॉक्टर राजीव कपूर को नहीं बचा पाए। 58 साल की उम्र में राजीव कपूर अपनों का साथ छोड़ गए। नीतू कपूर ने राजीव के निधन की खबर को इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कंफर्म किया है, तो वहीं रणधीर कपूर का बयान भी सामने आया है। राज कपूर के सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर ने अपने छोटे भाई को खोने की खबर को कंफर्म करते हुए कहा, मैंने अपना सबसे छोटा भाई राजीव खो दिया है, वह अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की मगर बचा नहीं सके। मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूं और उनके डेड बॉडी का इंतजार कर रहा हूं। राजीव कपूर के निधन की खबर से पूरा बॉलीवुड एक बार फिर से शॉक में डूब गया है, लेकिन कपूर खानदान पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूटा है। अभी तक तो ये परिवार अपने दो सदस्यों रितु नंदा और ऋषि कपूर के निधन के गम से उबर भी नहीं पाया था कि अब राजीव भी साथ छोड़ गए हैं। 14 जनवरी 2020 को रितु नंदा का निधन कैंसर की बीमारी के चलते हुआ था, तो वही ऋषि कपूर भी 30 अप्रैल 2020 को कैंसर से जंग हार गए थे। ऋषि कपूर को गुजरे अभी एक साल भी नहीं हुए हैं। देखा जाए तो बीते दो साल में कपूर फैमिली अपने चार सदस्यों को एक एक करके खो चुकी है। 10 अक्टूबर 2018 को कपूर परिवार की मुखिया कृष्णा राज कपूर का निधन हो गया था। कृष्णा राज कपूर लंबे वक्त से बीमार थीं। 10 अक्टूबर को उन्होंने आखिरी सांस ली। उस वक्त ऋषि कपूर देश में नहीं थे। मां की मौत से चंद घंटों पहले ही ऋषि कपूर कैंसर के इलाज के लिए न्यूयॉर्क रवाना हुए थे। वह आखिरी बार अपनी मां के दर्शन भी नहीं कर पाए थे। कपूर परिवार को दूसरा झटका मिला था परिवार की बेटी रितु नंदा के निधन की खबर से। साल 2013 में रितु नंदा कैंसर की शिकार हुई थी। लंबे वक्त तक न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में उनका इलाज भी चला था। 14 जनवरी 2020 को रितु नंदा ने भी अपनी आंखें मूंद ली। रितु नंदा की मौत से कपूर परिवार को गहरा सदमा मिला। परिवार अपने इस गम को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अचानक ऋषि कपूर ने भी सदमा दे दिया। कैंसर से जंग लड़कर धीरे धीरे ठीक हो रहे ऋषि कपूर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें मुंबई के H1 रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन 30 अप्रैल की सुबह 8:45 पर ऋषि कपूर की सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया। ऋषि कपूर के निधन से सिर्फ कपूर परिवार ही नहीं बल्कि पूरे देश में दुख की लहर दौड़ गई थी। ऋषि कपूर अपने पीछे वो खालीपन छोड़ गए थे जिसे कभी नहीं भरा जा सकेगा। और अब राजीव कपूर भी हमारे बीच नहीं रहे। 25 अगस्त 1962 को जन्मे राजीव कपूर दुनिया को अलविदा कह गए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।